आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में व्हाट बिफोर मतलब गाइस रिजल्ट्स आने ही वाला है हमारा ये हम लोग को एकदम फाइनल श्योरिटी मिल चुकी है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा लाइक like अभी हम लोग के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट आने में फिफ्टीन डेज बाकी है ठीक है तो हमको ये पंद्रह दिन में क्या करना चाहिए आई होप गईस कि आप लोग अपना पहले का समय तो अच्छे से यूज़ कर ही रहे होंगे बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आज मेरे पास सोल्यूशन आ चुका है गाइज देखो रिजल्ट तो आने वाला है ही ठीक है तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप, आप सोचना बंद कर दो रिजल्ट के बारे में दिन भर और अगर सोच भी रहे हो और ख़्याल आ ही रहा है तो उसका आपके पास सोल्यूशन ये है कि आप अपना कुछ अपने ब्रेन को कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी काम पे लगा दो तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग और ऐसे मैं कह दूँगी और आप सोचना बंद कर दोगे ऐसे तो कभी होता नहीं है है ना कि हम ऐसे हमारे कंट्रोल पे थोड़ी ना हमारी सोच है ना तो हम लोग को थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अगर आपकी कोई भी पेंडिंग पेंडिंग काम है जो आपको करने हैं लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क ठीक है अपनी लाइफ में तो जो भी आपका पेंडिंग वर्क है ट्राई टू कंप्लीट अभी जो टाइम है आपके पास गई वो टाइम बहुत प्रीशियस है आप अभी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो आराम से कोई भी अदर एक्टिविटी में रिजल्ट आने के बाद तो फिर अपन को ऐसा रहता ना कि बस तीन महीने बचे अब हम लोग को पढ़ना है बस तीन महीने बचे अब पढ़ना है तो उस वजह से स्ट्रेस की वजह से अपने पेंडिंग काम पेंडिंग ही रह जाते हैं तो आपको फिटनेस का या घर का कोई काम या फिर और कुछ काम या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मूवी अगर आपको कोई देखनी है आपकी कोई पसंदीदा मूवीज़ आपने नहीं देखी थी ड्यू टू एग्जामिनेशन या तो फिर वो तो शायद आप अभी तक देख ली लियोगे ठीक है हो सकता है कि आपको कोई ट्रिप में जाना हो और आप ट्रिप में जाना चाहते हो तो अभी प्लान्स बना लो इस फिफ्टीन डेज है आराम से अपना मूड फ्रेश करो मूवी देखो ट्रिप वगैरह पे चले जाओ या कोई काम वगैरह पेंडिंग पड़ा है तो कर लो बट रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो और ट्राई करो कि अपने 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 आप को पॉजिटिव रखो लाइक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत हेल्प करती है हम लोग को ठीक है तो अगर आपको ये सब लाइक हो गया मैम मूवी देख ली हम सारी घूम के भी आ गए अब कुछ काम नहीं अब क्या करें तो आप योगा कर सकते हो इस योगा करने से हम लोग को बहुत मेंटली हेल्प मिलती है ठीक है तो आप ट्राई टू डू योगा ठीक है तो इससे आप अपने आप को थोड़ा सा हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ों से और अगर आप सोच भी रहे हो तो पॉजिटिव सोचो ठीक है और अगर, अगर आपको पता ही आपका रिजल्ट फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पता रहता है कि यार हमारा तो यही होना है करके तो अगर आपको पता ही है तो फिर आप टाइम वेस्ट मत करो पढ़ाई करो ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप कन्फ्यूज हो सबकी तरह मेरी तरह तो फिर आपको अपना ध्यान को पॉजिटिव लगाना चाहिए और अपना आ, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो लाइक घूमने फिरने चले जाओ अभी तो इतना फेस्टिवल सारा फेस्टिवल्स आ रहा है तो इन्जॉय करो फेस्टिवल ठीक है और ट्राई टू अपने पेंडिंग काम खत्म करो ठीक है नेक्स्ट आपका आप चलते रिज़ल्ट में अगर आपका रिज़ल्ट आपके पसंद का आ गया जो आप चाहते हो जैसे कि सब कोई चाहते कि हम पास हो जाए ठीक है तो अगर पास रिज़ल्ट आ गया तो आपको पता ही होगा कि आपको आगे क्या करना है ठीक है बट अगर फेल आ गया तो इट्स ओके हम लोग को वैसे इसके बारे में सोचना ही चाहिए क्यों सोचे हम ठीक है बट फिर भी से अगर बैकअप प्लान होता है ना तो दर्द कम होता है देखो अब रिजल्ट देख हो गया अचानक से तो दर्द तो होता ही है ना और अगर ऐसा कुछ हो गया तो ठीक है तो फिर दर्द कम होने के लिए हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए अगर हमारे पास बैकअप होता ना तो दर्द की परसेंटेज बहुत लो हो जाती है ठीक है तो yes, ऐसा मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को समझाया था उसके बाद से मैंने बैकअप्स बनाना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो बैकअप रहेगा तो पेन कम होता है तो लाइट्स में एक बेकअप टूडे बैकअप बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना पर्सनली बैकअप बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि आप पर्सनली अपने आप को अच्छा ट्रीट कर सकते हो तो अच्छे ट्रीट से क्या मतलब है मेरा कि रिज़ल्ट कुछ भी आए क्या ही फर्क पड़ता है हम घूमने जाएंगे उस दिन क्योंकि उस दिन आप नहीं पढ़ पाओगे हम हंड्रेड परसेंट श्योर अगर पास होगा तो खुशी की वजह से नहीं पढ़ पाओगे फेल होगा तो दुख की वजह से पढ़ नहीं पाओगे तो आप खाने पीने घूमने जाओ बाहर या मूवी चले जाना उस दिन मूवी नहीं जाओगे तो घर पे बैठ के अपने पसंद का कोई शो मूवी कॉमेडी कुछ भी देख लो यूट्यूब में तो भर भर के हर चीज़ का अपने पास सब कुछ है अवेलेबल फ़ोन पे ही फ़ोन पे यूज़ करो आराम से ठीक है या तो फिर आप कहीं घूमने चले जाओ आराम से एक दिन के लिए ठीक है नहीं ये सब नहीं कर सकते मैम तो फिर उसके अलावा आपको एक आ, बहुत अच्छा अपने लिए आप खुद सेल्फ अपने लिए कुछ बना लो कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं उस दिन ये करूँगी जैसे मेरे को मेरा पर्सनली मेरे को कपड़े खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को शॉपिंग करना बहुत पसंद है मेरे को घूमना पसंद है खाना पीना बात का बहुत फूडी हूँ मैं ठीक है तो इस टाइप से मैं अपने लिए बैकअप बना लेती हूँ कि ठीक है उस दिन कुछ भी रिजल्ट आए मैं जाकर शॉपिंग करूँगी मैं का, का, मैं खाना खाऊंगी बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी इससे क्या होगा कि मेरे को मेरा मन उसमें लगा रहेगा और मैं फालतू अपने आंसू वेस्ट नहीं करूँगी अगर कोई भी मतलब नहीं है जो भी हो गया हम लोग पास्ट में तो नहीं जा सकते ना तो फालतू में उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए हमको फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दिस उस दिन का मज़े को हटाने के बाद आपको अभी से एक और ये बैकअप भी बना लेना चाहिए कि क्या करना है लाइक like मेरा मैं अपना पर्सनल बैकअप बताती हूँ मेरा पर्सनल बैकअप ये कि मैं अभी सी एम ए फाइनल का ग्रुप थ्री मैंने दिया है ठीक है जून अटेम्प्ट में अगर मैं पास हो जाती हूँ ठीक है तो मैं ग्रुप फोर दे दूँगी दिसंबर में ठीक है ठीक है भगवान ना करे बट अगर फेल हो गई तो बैकअप बताना है आप लोग को इसलिए मैं ये एजम्पन ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो गया तो मैं ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर एक साथ दूंगी वो ग्रुप दूंगी फिर दिसंबर में ठीक है तो ये मेरा प्लान है वैसे ही आपको भी अपना पढ़ाई से रिलेटेड प्लान बना लेना चाहिए कि आप पास हो गए तो आपको क्या करना है फेल हो गए तो आपको क्या करना है पास हो गए तो समझ लो आप इंटरमीडिएट के हो चलो मैं आपके लिए मदद करती हूँ बनाने में समझ लो आप इंटरमीडिएट हो मैं हूँ अभी तो अगर अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको अभी से सोच लेना चाहिए कि अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर लिएगे तो वेल एंड गुड अगर आप रिजल्ट का वेट करो कि मेरे को कब करना चाहिए अभी मतलब रिजल्ट आ जाए फिर ज्वाइन करूंगी तो उस हिसाब से अगर आप ऑफिस का सोच रहे हो तो आप अभी से आप पता लगा के रख लो ताकि आप रिजल्ट के बाद तुरंत ज्वाइन कर पाओ ठीक है अगर आपको अगर आप फेल हो जाते हो फॉर एग्जाम्पल सॉरी अभी तो हम लोग इंटरमीडिएट का बात कर रहे थे ना हाँ तो इंटरमीडिएट में अगर आपका क्लियर हो गया तो आप ऑफिस के बारे में सोच लो अगर ऑफ़िस नहीं जाना है और मतलब ऑफ़िस तो जाना ही पड़ेगा आप लोग का मेरे ख्याल से अब तो आप इस में आ चुके हो कि आपको डेढ़ साल का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा तो ऑफ़िस का देख लो आप ठीक है फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मान लेते हो ऑफिस नहीं जाना है ठीक है तो अगर आपका ऑफ़िस नहीं जाना है आपका ऑफिस कंप्लीट हो चुका है वॉट रीज़न हो सकता है ठीक है तो उस केस में आप अभी से देख लो कि आपको कैसे स्टडी करना रहेगा लाइक अपना स्टडी प्लान्स वगैरह आप अभी से प्लान कर लो इसी के साथ बताना गाइस कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने स्टडी प्लान अपलोड कर चुका है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए इंटर फाइनल दोनों के लिए और मैंने अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जाम एक्सपीरियंस भी शेयर कर करके रखा है चैनल पे आप प्लीज़ जाके देख सकते हो आराम से अपने हिसाब से ठीक है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक अब अपन को ये देखना है कि जो स्टडी प्लान है अपना उसको आप देख लो कि क्लासेस कहाँ से लेना चाहिए क्लास आप आ, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही कि नहीं मिल रही है इनो बहुत महंगी मिलती है तो उसके लिए गाइस आप लोग के पास यूट्यूब चैनल है आप यूट्यूब में हर टॉपिक का सोल्यूशन है मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो यूट्यूब पे नहीं है बस सर्च करने आना चाहिए सर्च करना भी एक आर्ट होता है हर किसी को नहीं आता हर कोई सर्च नहीं कर सकता यूट्यूब में कुछ भी चीज़ है ये एक आर्ट है ठीक है तो आप क्या करा करो मैं आपको एकदम मस्त वाली बात बताती हूँ आपको जो भी टॉपिक चाहिए स्पेसिफिकली समझ लो कि अगर समझ लो स्पेसिफिकली सी के लिए कोई क्लासेस नहीं है और आपको वो चाहिए वैसे तो अभी आ गई है लेटेस्ट में देखा जाए तो बहुत क्लासेस हैं बट फिर भी अगर आपको आप सेटिस्फाइड आप नहीं हूँ फैकल्टी के साथ और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कुछ और चाहिए तो आप बेसिकली ना टॉपिक का नाम लिखो सर्च इंजन में और फिर लास्ट में सीएमए का अपना जो भी सीएमए फाइनल इंटर जो भी रहता है वो लिख दो अगर उसके वो नहीं आता तो फिर आप इसको हटा के सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दो हंड्रेड परसेंट वीडियो तो आपको मिली जाएगी ठीक है मतलब अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप अपने लिए सर्च कर करके सब्सक्राइब करके रख लो चैनल्स को ताकि बाद में जब आप पढ़ने बैठो तो आपको ये सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े अपना स्केड्यूल बना लो अगर पास होगी तो ऐसे चलना है फेल होगी तो ऐसे चलना है दोनों तो के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो आपको ही पेन कम होगा और आपका समय खराब होने से बचेगा देखो अभी तो आप सोचने में टाइम वैसे ही गवा रहे हो ठीक है तो बाद में अपना समय बचाने के लिए आप ये सब अभी कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप सर्च करके रख लो हमारे चैनल पे गाइस आपको सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एसपीएम पी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सीएफआर एसएफएम आईडीटी डीटी ये सारी क्लासेस मेरे चैनल पे अवेलेबल है सीएमए हब में तो अगर आप फाइनल में आने वाले हो तो आप हमारे चैनल से भी देख सकते हो ये सारी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है हर की अलग अलग प्लेलिस्ट है आप जाके देख सकते हो उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको पिन कर दूंगी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी आप देख सकते हो ठीक है तो आपको देखो मैं एक अकेली टीचर इतना सब कुछ पढ़ा सकती हूँ तो बहुत सारे और भी यूट्यूब में चैनल में बहुत सारे टीचर हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे से पढ़ो नहीं पढ़ना है मत पढ़ो बहुत सारे और भी टीचर्स आप वहाँ से भी देख सकते हो फ्री बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है आप कहीं से भी पढ़ो बट आप फ्री में भी पढ़ सकते हो मैं बस ये कहना चाहती हूँ ठीक है तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंगली क्लासेस देख लीजिए कहाँ से खरीदना है और अपना अभी का टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो खुश रहो ठीक है अभी तो खुश होने के दिन है हमारे एटलीस्ट तो अपन को ऐसे खुश रहना चाहिए और आई होप आप और आप सोच रहे हो कि मैम इंटरमीडिएट का क्या करना है कैसे करना है इंटरमीडिएट का हम लोग कोर्स न्यू ले चुके हैं या हम ओल्ड ले चुके हैं आपने अकॉर्डिंगली ऑप्ट कर चुके होंगे ऑलरेडी तो उसके हिसाब से आप कंफ्यूज तो होंगे कुछ ना कुछ अगर आपको डाउट होगा तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है गो थ्रू इट और आप अपने सारे डाउट उसमें पूछ सकते हो अगर कुछ होगा तो और लेट मी नो अगर कुछ हुआ तो ठीक है तो इसकी वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक मिल जाएगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय गाइस लॉ में जो केस स्टडीज़ आती हैं वो सारी केस स्टडी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे और वीडियो अपलोड होते रहती हैं उसके साथ गाइस टू मिनट रिविजन वीडियोज़ भी मैं अपलोड करते रहती हूँ तो जाके देखो आराम से और फिर एग्जाम और भी स्टडी के स्टडीज मुझे मिलती है मैं अपलोड कर देती हूँ ठीक है गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लग होगी अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लेटमी नो ठीक है वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है वैसे भी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो